नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी में जिला प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहे चौड़ीकरण को लेकर फिर से चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें, नरीमन चौराहे से गोला पुल तक सड़क के दोनों ओर 12 मीटर तक चिन्हीकरण किया गया। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा समेत राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को लोगों से स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ने की अपील की गई। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों को निश्चित समय देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। यदि लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो बलपूर्वक अतिक्रमण तोड़कर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। नरीमन चौराहे से गोला पार्क होते हुए रोड है, वो NHAI के पास है और NHAI का और PWD का दोनों के एक बैठक की गई थी और ROW उसमें 12-12 मीटर इनका अभिलेखों के अनुसार निकला है और इसी 12 मीटर पर चिन्हीकरण किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे अवैध रूप से काबिज हैं इस भूमि पे, उनको आगाह भी किया जा रहा है कि शीघ्र इसको खाली कर दें। देखिए, आज इसमें चिन्हीकरण भी किया गया है और साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और हमारा नेशनल हाईवे भी है, तो इसको स्वयं खाली करते हैं। यदि ये स्वयं खाली नहीं करेंगे तो इसमें एक निश्चित समयावधि देने के उपरांत बलपूर्वक इनको खाली करवा दिया जाए। ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।